आप पहचान नहीं पाओगे भाई ये कौन सा ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। ये तो एसी में है, इसको डीसी में कन्वर्ट करना। इतना सारा लाइट है। ये है नॉर्मल सिस्टम कनेक्शन, जैसे कंपनी से आता है ऐसा कनेक्शन। तो भाई ने स्विच लगाया है इसीलिए कनेक्शन थोड़ा चेंज होगा। ये है ओरिजिनल सी वाइड, इतना पावर है क्या ही बोलो। तो गाइज आप देख सकते हो आपके सामने है हुंडा एक्टिवा 125 जो कि BS4 मॉडल है। तो गाइज इसमें मॉडिफिकेशन होने वाला है, तो वो क्या है मैं बोल देता हूँ। तो इसका जो लाइट है, एक मिनट दिखा देता हूँ। तो ये देखो गाइज, ये हैलोजिन टाइप है। तो भाई ने ऑलरेडी एक लगा हुआ है फॉग लैम्प, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम होते हैं नाइट में देखने के लिए। तो ये जो हैलोजिन बल्ब है ये चेंज करके हम इसको LED में कन्वर्ट करेंगे। और एक काम इसको करना होगा, क्योंकि ये तो AC में है, इसको DC में कन्वर्ट करना होगा। तो दिखा देता हूँ, ये देखो इसका लाइट स्टार्ट करने से जलता है। देखो एक स्विच है, ये स्विच हम देने से ये देखो बहुत ही कम लाइट है। तो इसको हम चेंज करेंगे और LED में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, तो क्या होता है अभी इसका कनेक्शन AC में है, क्योंकि ये बढ़ाने से बढ़ जाता है और कम करने से कम हो जाता है। तो अभी इसका थोड़ा एक्सीलेशन का प्रॉब्लम है इसीलिए बढ़ा हुआ है। तो ये देखो बंद हो गया। तो भाई ने बोला इसमें CYT इंस्टॉल करने के लिए, तो चलिए वो CYT लाइट एक बार देख लेते हैं। तो भाई CYT को निकालो। तो ये है ओरिजिनल, और डुप्लीकेट वाला निकालो एक बार। ओ वाला डुप्लीकेट है। अच्छा, जो कॉपी है, कॉपी वाला निकालो। तो गाइज ये देखो, आपको आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ये देखो सेम कलर है, ठीक है। ये देखो सेम कलर, इसमें दो LED आता है। तो ये भी एक कॉपी है, ये व्हाइट येलो है, लेकिन देखो बॉडी भी सेम है, कलर भी सेम है और ब्लास्टर भी सेम है। आपको आप पहचान नहीं पाओगे भाई ये कौन सा ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। आप लाइट जलाने के बाद आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ भाई, जो भी लेना है आपको ओरिजिनल लेना है, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल का लाइट का पावर जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ठीक है, ये जला के दिखा देता हूँ। ये है ओरिजिनल CYT, ये YT है, ठीक है। तो गाइस देखो लाइट का पावर, देखो तो देख सकते हो भाई कितना पावर है। अभी लो बीम पे चल रहा था, ये देखो ये हाई बीम, ठीक है, बहुत पावर है। ये है ओरिजिनल CYT। तो ठीक है चलो ये लगा लेते हैं ये वाली स्कूटी में। तो गाइज ये लगाने के लिए पहले इसका जो हेडलाइट पार्ट है वो ओपन करना होगा। तो ये देखो इस साइड में एक स्क्रू है, इस साइड में एक स्क्रू है, और इधर एक है। चारों स्क्रू ओपन करना होगा। और एक ये नीचे एक 10 नंबर का नाट है, उसको भी ओपन करना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। तो देख सकते हो पार्ट, ये देखो ऊपर थोड़ा ऊपर खींचो, हाँ बस दो क्लिप है, इस साइड एक है उस साइड एक है, थोड़ा ऊपर खींचने से बाहर आ जाएगा। तो ये देखो ये पार्ट बाहर आ गया है। तो अभी हाँ हेडलाइट का जैक ओपन कर लो। तो अभी कनेक्शन दिखाऊंगा आपको, पहले लाइट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस ये लाइट का जो पावर होगा, तो ये लाइट का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको खोल के फेंक देते हैं। तो इसमें तो इंस्टॉल हो गया है। अभी जो कनेक्शन होगा, कनेक्शन चेंज करने के लिए इसका जो चाबी स्विच है, ये जो चाबी स्विच, इसमें इग्निशन बोलता है,
तो इसका इग्निशन से लाइन लेना होगा, तो पहले इसका जो पार्ट है ये पार्ट को ओपन करना होगा, ठीक है। तो इस साइड एक दोनों, और उस साइड में दो स्क्रू है, चारों स्क्रू ओपन करने से ये जो पार्ट है ये पार्ट बाहर आ जाएगा। थोड़ा खींचो तो ये देखो, ये खींचने से ये पार्ट बाहर आ गया। ये देखो कितना सारा क्लिप है, इस साइड में दो है, इस साइड में दो है, एक क्लिप नीचे गिर गया। तो ये चाबी स्विच का लाइन, ये देखो ये है इग्निशन लाइन, ठीक है, इसमें ही मेन आता है। तो गाइस ये तो BS4 मॉडल है, तो भाई ने ये स्विच अलग से लगाया है, ठीक है। तो ये स्विच का जो दोनों वायर है, ये देखो दोनों ब्लैक कलर का वायर यहीं पे आया है, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है। तो मेन जो कनेक्शन है वो आपको दिखा देता हूं। आपको देखना होगा ये जो स्विच है, ये स्विच का मेन वायर आपको ढूंढना होगा, ठीक है। ये देखो देख सकते हो, येलो कलर का वायर आता है, एक येलो कलर का वायर है और एक व्हाइट कलर का वायर है, ठीक है। तो आपको येलो कलर का वायर यहीं पे आया है, देखो ये तार यहीं से आके यहीं पे आया है। तो ये वायर को आपको कटिंग करके इग्निशन का मेन लाइन पे देना होगा। तो देखो भाई ने तो स्विच लगाया है, तो कंपनी से क्या होके आता है, देखो ये दोनों वायर जुड़ा हुआ आता है, ठीक है। आप मान के चलो ऐसे ही कंपनी से आता है, ठीक है। तो आपको ये जो येलो कलर का वायर है ये हेडलाइट का मेन वायर है, तो इसको कटिंग करना होगा यहीं से। ये कटिंग करके इस साइड को आपको टेप कर देना होगा, और इस साइड का जो कनेक्शन है यहीं पे वायर जोड़ के इसको इग्निशन में दे देना है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा खत्म। तो एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो यहीं पे मेन वायर को हमको कटिंग कर देना है, और हाँ इसको बस हो गया, इसको कुछ नहीं करना है। और इसके साथ हाँ वो AC लाइन है, ठीक ही बोला। तो ये AC लाइन है, तो हमको तो AC में नहीं चलाना है, LED को DC करना होगा। तो यही से हमने एक्सटेंड किया है वायर को, ठीक है। वायर को एक्सटेंड करके इग्निशन में आपको लाइन को दे देना है। इग्निशन में कौन सा कलर होगा वो भी मैं बोल देता हूँ। तो देखो इग्निशन लाइन में दोनों वायर रहता है, दिखा देता हूँ। तो एक है रेड, एक है ब्लैक। आपको रेड में नहीं देना है, ठीक है। रेड में देने से लाइन हर टाइम रहता है, चाबी स्विच बंद कर देने से भी आपका लाइन रहता है, ठीक है। तो आपको ब्लैक में दे देना है, दिखा देता हूँ। देखो ब्लैक में एक बार जोड़ो, वो क्लिप में दो ना, वो क्लिप में दो। ये देखो ब्लैक में हम ये वायर को दे दिया है, ठीक है। अभी लैम्प को टेस्ट करके देखते हैं, लैम्प दो, ये लैम्प यहीं पे रखो। तो ये देखो चाबी देने से ही लाइट जल रहा है, ठीक है। ये देखो हाई बीम भी काम कर रहा है, लो बीम भी काम कर रहा है, हाई बीम भी काम कर रहा है, लो बीम भी काम कर रहा है। चाबी बंद कर देने से लाइट ऑफ हो गया। तो ये हो गया कनेक्शन, ठीक है। लेकिन भाई ने तो स्विच लगाया, तो ये कनेक्शन को हमको स्विच में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वो भी कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये है नॉर्मल सिस्टम कनेक्शन, जैसे कंपनी से आता है ऐसा कनेक्शन। तो भाई ने स्विच लगाया है इसीलिए कनेक्शन थोड़ा चेंज होगा। तो देखिए क्या होगा। तो ये कनेक्शन यहीं पे जोड़ छोड़ दो। तो गाइस ये तो BS4 मॉडल है, BS4 में कोई स्विच नहीं आता है। तो ये स्विच का दोनों वायर ये देखो यहीं से आया है, ये दोनों वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो इग्निशन से मैंने तार को एक्सटेंड किया है, ये एक वायर को आपको स्विच का एक वायर में देना है। ये छोटा वाला वायर दे दो, स्विच का एक वायर इग्निशन के साथ जोड़ना है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये है इग्निशन लाइन से एक वायर, स्विच का एक वायर से हमने जोड़ दिया है, और एक वायर हेडलाइट का जो मेन वायर है येलो कलर का वायर, उसके साथ ये जोड़ देना है। बस आपका काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। अभी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो कनेक्शन देखो, अभी चाबी ऑन कर दिया है, ठीक है। ये देखो DRL जल रहा है लेकिन लाइट नहीं जल रहा है। अभी स्विच में ये देखो स्विच को दे रहा हूँ, ये देखो लाइट जल रहा है, ठीक है। ये देखो अभी, ये देखो हाई बीम भी काम कर रहा है, लो बीम भी काम कर रहा है। स्विच बंद कर दिया है, लाइट भी ऑफ हो गया है, ठीक है। मीटर में भी बहुत सारा भाई ने बोलता है मीटर लाइट नहीं जल रहा है, ये देखो मीटर में भी लाइट जल रहा है, स्पीडोमीटर में भी लाइट जल रहा है, ठीक है। आपको नाइट में और अच्छे से दिखा देता हूँ। अभी फिटिंग कर लेते हैं और अच्छे से टेप कर लेना है, ठीक है, उसके बाद आपके साथ मिलता हूँ। तो गाइस बाइक तो टोटली रेडी हो गया है, अभी देख सकते हो। लाइट जलाओ भाई एक बार। तो देखो बाइक बंद है लेकिन लाइट जल रहा है। हाई बीम करो, तो ये हाई बीम, लो बीम करो, ये है लो बीम। तो ठीक है चलो डायरेक्ट रोड में जाके मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो अभी नाइट हो गया है, ये देखो स्पीडोमीटर में लाइट जल रहा है, और ये देखो गाइस लाइट देखो। तो आप सोच नहीं पाओगे इतना सारा लाइट है, ठीक है।
तो अभी ये लो बीम पे एक हाथ में भाई मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, एक मैं बाइक चला रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये है लो बीम और ये है हाई बीम। हाई बीम में बाइक को मैं चला रहा हूँ, देखो कितना पावर, देखो लाइट में कितना पावर देखो। अभी ये हाई बीम पे है, ठीक है। अभी ये है लो बीम, देख सकते हो, और ये है हाई बीम। तो चलो इसे घुमा लेता हूँ। तो देखो गाइस, यहीं पे जला के दिखा देता हूँ, बाइक को रुकते। तो गाइस देखो, अभी तो नाइट हो गया है, बाइक भी बंद है और लाइट में जला रहा हूँ। ये देखो गाइस, एक छोटा स्कूटी में लाइट देखो, ठीक है। ये है लो बीम और ये देखो, ये है हाई बीम, ये है लो बीम और ये है हाई बीम। तो एक छोटा स्कूटी में इतना सारा लाइट, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आप लो बीम जला के चलाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो थोड़ा रोड में चला के आपको दिखा देता हूँ। तो अभी देखो ये हाई बीम पे चल रहा है, ठीक है, लाइट देखो गाइस, और ये है लो बीम, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलो इसे घुमा लेते हैं, बहुत पावर है भाई ये लाइट में, बहुत पावर है। देखो गाइस इतना पावर है क्या ही बोलूं। तो ठीक है गाइस, अगर ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप जानते हो आपका एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस जाओ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, और साइड में जो बेल आइकन है वो प्यार से हिट कर देना, ठीक है। तो गाइस ठीक है, ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे कोई धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।